हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हुनर हाथों में। तो फ्रेंड्स देखिए, आज हम ये तोरण पट्टी बनाने जा रहे हैं। ये चोटी वाली तोरण पट्टी है और देखिए दो कलर में मैंने बनाई है। आप इसको सिंगल कलर में या फिर मल्टी कलर में भी बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए तोरण बनाने के लिए पहले हम चैन बना लेंगे। ये चैन हम अपने दरवाजे के अकॉर्डिंग बनाएंगे। जितने हमारे दरवाजे की चौड़ाई है उसी हिसाब से हम इसकी चैन बना लेंगे। ये देखिए चैन बनाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिंगर रखेंगे और तीन चैन एक्स्ट्रा लेंगे, दो तीन, और इसी में हम एक डबल क्रोशिया बना देंगे। फिर नेक्स्ट में जाएंगे, इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसके नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। यानी कि हर स्टिच में हमें एक एक डबल क्रोशिया की रो बनानी है। तो मैं बना के आपको दिखाती हूँ। देखिए ये रो मेरी कंप्लीट हो गई है, पिंक वाली ये मैंने बना लिया है पूरे में। और अब इसके बाद हम सेकंड कलर अपना ऐड करेंगे, जो भी आप लेना चाहें। मैं ये जामनी कलर ले रही हूँ, पर्पल कलर जो रहता है डार्क। देखिए अब इसको सीधी तरफ ही हम ज्वाइन करेंगे फर्स्ट वाले स्टिच में। जो पहला डबल क्रोशिया है उसी के ऊपर हम एक डबल क्रोशिया बना देंगे, इससे दो तीन। इसको भी अब नीचे दबाते हुए चलेंगे और जैसे हमने फर्स्ट रो बनाई थी वैसे ही ये वाली बनानी है सेकंड रो भी। सब जितने भी हमारे पास डबल क्रोशिया, हर डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, सभी के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बना देंगे। देखिए इस तरीके से इस रो को भी मैं ऐसे ही कंप्लीट कर लेती हूँ। ये वाली रो कंप्लीट हो गई मेरी, सब पे मैंने एक एक डबल क्रोशिया बना लिए हैं। और अब हम यहाँ पे पिंक कलर का धागा ऐड करेंगे। देखिए इसको मैंने यहाँ पे नॉट लगा दी है फर्स्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर। एक दो तीन चैन लेंगे, देखिए तीन चैन ले ली है। अब इसके बाद यहाँ से एक दो डबल क्रोशिया स्किप करके तीसरे में आएंगे, इसमें एक दो डबल क्रोशिया बनाए। अब यहाँ से हम देखिए यहाँ से हम जाएंगे वापस पीछे वाले में इसमें, और यहाँ पे बनाएंगे एक, देखिए दो तीन, और ये चार, चार धागों का एक पफ बनाएंगे, लॉक करेंगे। और फिर से यहाँ पे एक, देखिए ये जिसमें हमने बनाया वहाँ से एक दो चैन स्किप करेंगे और तीसरे वाले में एक डबल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से। अब फिर देखिए वापस से हम पीछे वाले में जाएंगे, जो हमारा यहाँ देखिए हमने दो चैन स्किप की थी उसकी एक बीच में छोड़ के सेकंड वाले में जाएंगे। यानी कि फर्स्ट चैन जो यहाँ से हमारे पैटर्न से जो फर्स्ट चैन पड़ेगी उसमें जाएंगे और इसमें चार धागों का पफ बनाएंगे, दो तीन और ये चार, चार धागों का पफ इस तरीके से। फिर यहाँ से एक दो चैन स्किप करेंगे, देखिए हमने बनाया इसमें बनाया था तो ये दो चैन स्किप करेंगे और थर्ड वाली में आ जाएंगे। यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और ये जो दो चैन हमारे पास बीच में है इसमें से ये वाली छोड़ेंगे जिसमें हम बना रहे हैं, उसके नेक्स्ट वाली उसके पीछे वाली हम चैन छोड़ेंगे और उसके भी पीछे जो दूसरी चैन है उसमें हमें पफ बनाना है, एक दो और ये तीन, लास्ट का चार, चार धागों का पफ बनाएंगे, लॉक करेंगे। और फिर यहाँ पे
जिसमें हमने बनाया उस वाले को स्किप करेंगे। देखिए इसमें हमने बनाया था, इस वाले को छोड़ देंगे। एक दो तीन, तीसरे वाली चेन में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरीके से बनाना है हमें। एक बार और दिखा देती हूँ, जहाँ हमने डबल क्रोशिया बनाए हैं उससे एक छोड़ी दूसरी चेन पीछे जाएंगे और यहाँ पे हम पफ बनाएंगे चार धागों का। दो तीन और ये चार, चार धागों का पफ बनाए, लॉक किए और फिर यहाँ से दो डबल क्रोशिया स्किप करने, तो जिसमें हमने वर्क किया है ये वाले में इसको स्किप कर देंगे, इसको नहीं लेना। इसके बाद से काउंट करेंगे एक दो और ये तीसरा, तीसरे वाले में फिर एक डबल क्रोशिया बना देंगे। इस तरीके से हमें इसमें देखिए पूरी रो मैंने बना ली है। ये एक तरफ से हमारा इस तरीके से आया है। देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे तीन चैन लेके वर्क को टर्न करेंगे, कि तीन चैन लिए हैं वर्क को टर्न करेंगे। और अब देखिए इस वाले में ध्यान से देखिएगा, ये जो हमने पैटर्न बनाया है, पफ बनाया है, इसके आगे ये जो चेन है इसमें हम एक डबल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से। और फिर यहाँ से ये जो हमारा इसका लूप है, ये आपको दिख रहा होगा, इस वाले लूप में हम क्रोशिया हुक डाल के पफ बनाएंगे। चार बार धागा लेंगे, एक दो तीन और ये चार, चारों को एक करेंगे, लॉक करेंगे इसको। और फिर इस वाले में, इसमें नहीं, इस स्पेस को छोड़ना है, आगे वाले में एक डबल क्रोशिया। कैसे ये हमारी देखिए शेप आ रही है, फिर इसको इस वाले में, ये आपको दिख रहा होगा जिससे हमने ये वाला पफ जिस स्टिच से हमने बांधा है उसी स्टिच में डालना है, उसी स्पेस में डाल के इसको देखिए चार बार हम धागा ले लेंगे, एक दो तीन चार, चार बार धागा लेंगे, चारों को एक करेंगे, लॉक करेंगे और फिर ये पफ के आगे जो स्टिच है उसमें एक डबल क्रोशिया करेंगे। देखिए इस तरीके से, फिर दोबारा से बता दे रही हूँ, ये जो बैक में स्टिच है जहाँ हमने पफ को बांधा था उसी में डाल के चार बार धागा लेंगे, चार, चार बार धागा लेके इसको खींचेंगे, एक करेंगे और लॉक कर देंगे। फिर ये पफ के आगे वाले में लॉक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरीके से ये हमारा बनता जाएगा। एक बार मैं आपको और बता देती हूँ, देखिए क्रोशिया में धागा लेके ये जो पफ हमने बनाया है इसका बांधा था, जिस पफ को जो स्पेस यहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ दो स्पेस हैं इस वाले में नहीं, हमें इस वाले में काम करना है जिससे हमने बांधा था पफ को। इसमें डाल के चार बार धागा लेंगे, एक दो तीन और ये चार, चार बार धागा लेके सभी धागों को एक बार निकाल देंगे एक साथ और फिर एक लॉक स्टिच लगाएंगे। और फिर ये जो ये स्पेस है इसको छोड़ के इसके आगे वाला स्पेस, ये पफ के आगे वाला स्पेस में हम एक डबल क्रोशिया बना देंगे। इस तरीके से इस रो को मेरे को कंप्लीट करना है, ये आपको दिख रही होगी ऐसे ही, ये रो मैं कंप्लीट करके फिर आपको। पिंक वाली मेरी रो पूरी हो गई है वाली, ये मेरी फोर्थ रो थी, ये पूरे मैंने बना दिए हैं। और यहाँ पे देखिए मैंने पर्पल से वर्क स्टार्ट कर चुकी हूँ, एक एक डबल क्रोशिया का। ये हमें हर चैन में एक एक डबल क्रोशिया बनाना है, इसमें कुछ नहीं है, जैसे हम पहले रो बनाए थे सेम वही है, हमें दोबारा से एक एक डबल क्रोशिया की रो बनानी है। देखिए हर चैन में एक एक डबल क्रोशिया, यहाँ पे हमें तीन चैन दिखेगी, एक पफ के ऊपर तीन चैन हमें मिलेगी, तीनों के ऊपर हमें एक एक डबल क्रोशिया बनानी है। ये वाली फर्स्ट एक सेंटर में है, ये सेकंड चैन, और ये वाली हमारी थर्ड चैन।
एक पफ पे तीन चैन मिलेगी, तीनों को हमें एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। ये पूरी रो हमारी एक एक डबल क्रोशिया की बनेगी, और नेक्स्ट रो हमारी जो पिंक कलर की है वो भी हमारी एक एक डबल क्रोशिया जैसे हमने बनाया था। यहाँ पे स्टार्टिंग की दो रो बनाई थी, सेम वही हमें बनानी है यहाँ पे। तो मैं इसको बना के फिर आपको दिखाती हूँ। ये दोनों रो बना लेती हूँ, पिंक ये जामनी वाली और ये वाली पिंक वाली भी। तो ये दोनों रो मैं बना के फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए इसके ये मैंने दोनों रो कंप्लीट कर ली है, पर्पल और पिंक की। और ये देखिए बनने के बाद कितनी खूबसूरत लग रही है। तो तोरण पट्टी, तो आप भी इसको बनाइए अगर आपको पसंद आई है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए नमस्कार।